हमने पिछले वीडियो में मानव शरीर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था और कुछ प्रश्नों को आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में हम लोग के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है? नंबर एक फीमर, नंबर दो मेरुदंड, नंबर तीन अंश मेखला या श्रोणी मेखला। बिल्कुल सही, फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि हमारे जान में होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? नंबर एक मेरुदंड या स्टेपीज या फीमर या अंश मेखला, सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही, स्टेपीज। जानते हो बच्चों, ये हमारे कान में होती है, ये हड्डी हमारे कान में होती है। और अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है या चार प्रकार का होता है? बिल्कुल सही, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हम लोग के शरीर में होते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है? जैसे हमें कभी ब्लड की जरूरत पड़ जाती है तो अलग से ब्लड हमारे अंदर चढ़ाया जाता है, तो एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी लोगों को दिया जाता है, सभी ग्रुप के लोगों को दिया जाता है, उसमें कौन सा है? ए है, बी है, ए बी है या ओ है? ओ, बिल्कुल सही, वो ब्लड ग्रुप जो होता है सर्वदाता होता है, दानी ग्रुप होता है, हाँ? अब अगला देखते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है? वो सबसे ले लेता है, वो ब्लड ग्रुप जो होता है ना, उसको ए देगा तो भी ले लेगा, बी देगा तो भी ले लेगा, ए भी देगा तो भी ले लेगा, वो देगा तो भी ले लेगा। तो कौन सा है वो? ए है, बी है, ए बी है या वो है? ए बी है, बिल्कुल सही, ए बी सबसे लेता रहता है, ठीक ना? अब आगे देखते हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है कितनी होती है? 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी या 13 जोड़ी, सोचिए और बताइए। 12 जोड़ी, 12 जोड़ी का मतलब 24, 12 हमारे दाहिने तरफ होती है और 12 हमारे बाएं तरफ होती है। 12, समझ में आ गया होगा। और बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप अपने
अपनी कॉपी में लिखना और याद करना, फिर मुझे याद करके सुनाना। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।